हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश पांडे। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं किस तरह से एक 2D प्लान को 3D में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया किस तरह से 2D प्लान करेंगे, लेयर्स टॉपिक हमने पढ़ाया हुआ है आपको। तो एक हमारे पास 2D प्लान, हमारे द्वारा बनाया हुआ 2D प्लान है। इस 2D प्लान को हम लोग 3D में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। देखिए किस तरह से 2D प्लान को 3D में कन्वर्ट करते हैं। इसका अगर आपको सेक्शन देखना है तो ये सेक्शन देख सकते हैं इसका, और ये एक एलिवेशन है इस घर का, ठीक। तो इन फ्यूचर मैं आपको कोशिश करूंगा कि सेक्शन और एलिवेशन भी किस तरह से बनाते हैं, मैं आपको बता दूंगा। इससे पहले जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं किस तरह से ऑटोकैड के 2D ड्राइंग को 3D में कन्वर्ट करेंगे। ये वीडियो एक पार्ट में पॉसिबल नहीं है, सो इसके 2 से 3 पार्ट्स बनाए जाएंगे जिसमें आपको प्रॉपर कंप्लीट करके दिखाया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए कि अगर किसी भी 2D प्लान का 3D बनाना है तो जिसको भी नहीं पता है वो जेडी स्टार्टिंग से सीख सकता है। इसमें मैं एकदम बेसिक से बताने जा रहा हूँ। जस्ट आपको यहाँ पे लेयर पे आना और लेयर पे जाकर लेयर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। देयर आर मेनी लेयर्स। अब इसमें मुझे न्यू लेयर्स ऐड करने हैं। जैसे आप देखिए क्रिएट न्यू लेयर होता है, न्यू लेयर में हमने क्या कर दिया, इसका नाम दे दिया 3D वॉल। जैसे हमने दिया 3D वॉल, और नेक्स्ट इज 3D विंडो, इस तरह से हमने दे दिया। अब इन दोनों के कलर्स को चेंज कर दीजिए, लाइक इनके कलर को हमने ले लिया, अभी हमने वॉल के कलर को ले लिया रेड, और 3D विंडो के कलर को ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप, मैंने सियान कलर ले लिया। थोड़ा ब्राइटनेस हम कम कर देते हैं, ये आँख में लग रहा है। ओके, आफ्टर दिस जस्ट क्रिएट टेक रेक्टेंगल फ्रॉम हियर एंड देन ओपन योर दैट लेवल। अभी इस लेयर में हमने क्या किया, 3D वॉल लेयर ले लेते हैं, ये ले लिया हमने। और देखिए अभी हम चल रहे हैं, तो देखिए अभी इस तरह से हमने इसको ओपन किया, और यहाँ से ओपन करके यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक करके यहाँ हमने जैसे क्लिक किया तो ये बन गया वाला। और फिर यहाँ से हम लोग ये जाएंगे और ये जाके हमने इस तरह से क्रिएट किया। अभी यहाँ पर ये 9 इंचेस है तो हमने 9 इंचेस ले लिया इस तरह से, और फिर इस तरह यहाँ से गए और यहाँ पे हमने मिला दिया। कुछ स्नैप सेटिंग्स ऑफ है इसके, लाइक मिड पॉइंट शो नहीं कर रहा है। इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रही है, इन पॉइंट मिड पॉइंट नहीं शो कर रहा है, तो आप यहाँ पे स्नैप सेटिंग्स पे जाइए, ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाइए और यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, तो सब कुछ ओपन हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन आपको ऑन रखने हैं तो आपको प्रॉपर हर एक चीज़ मिलेगा इसमें से। आफ्टर दिस फिर से गए हम लोग यहाँ पे, और यहाँ से जाके हमने 3D की कमांड्स के बारे में आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो अगर उसमें से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे भी नीचे कमेंट करिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक बार रिवाइज कर दूँगा और कुछ डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स भी बता दूँगा आपको। और कैसे लग रहे हैं आपको वीडियोस, प्लीज़ उनको मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइए, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आपके फीडबैक्स क्या है, लाइक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमें थोड़ा सा पता चलता रहता है, तो हमें इम्प्रूव करने में इजी जाता है। आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ वॉल देखने जा रहे हैं किस तरह से वॉल ड्रॉ करेंगे इसमें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वॉल के साथ डोर लगाएंगे, डोर लगाने के साथ सबट्रैक्ट इंटरसेट कमांड्स को भी यूज़ करेंगे। देखिए उस कॉर्नर से लिया हमने, इस कॉर्नर पे इसको रखा जिससे कि कॉर्नर वाइज प्लेस हो जाएगा, तो आपको ईजी जाएगा इसको प्लेस करने में। देखिए इस तरह से, और कोई भी वॉल आपकी छूटेगी नहीं। अभी ये इनर वॉल है तो ये 4.5 इंचज़ की होगी, हम इस तरह से अगर उठाएं तो यहाँ पे हमें, अगर आप चाहें तो यहाँ पर क्लोज कर दीजिए, चाहे तो आगे भी क्लोज कर सकते थे। इस तरह से यहाँ पर आइए और यहाँ पे आके हमने इसको क्लोज कर दिया। फिर यहाँ से स्टार्ट किया वॉल को, और इस वॉल को ले आके यहाँ पे क्लोज कर डन, एवरीथिंग इज डन, ठीक है। इस तरह से हमने वॉल बना लिया, एक वॉल छुटी हुई है, हमने इस वॉल को भी इस तरह से लिया और ये ड्रॉ कर दिया, ठीक। आगे की वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से स्टेयर्स को भी, इसको हम लोग स्टेयर्स को भी बनाने वाले हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग देखने आ रहे हैं कि इसको 3D में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ कॉलम्स हैं, तो ये हमने कॉलम तैयार कर लिया, जैसे एक कॉलम ले लिया और एक कॉलम ने लेके आधा ले लिया, डन, एवरीथिंग इज डन। आफ्टर दिस जस्ट क्लिक ऑन व्यू कंट्रोल एंड क्लिक ऑन एनी आइसोमेट्रिक एंड सेलेक्ट ऑल वॉल्स जस्ट लाइक दैट।
आप लोग इसका पार्ट टू जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट टू में हम लोग इसके देखने वाले हैं किस तरह से विंडो और डोर की स्पेसिंग्स को निकालेंगे हम लोग। सो वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पार्ट वन में हम लोग सिर्फ वॉल देखने जा रहे हैं, किस तरह से वॉल को बनाएंगे। इस तरह से हमने सबको सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद आपको एक कमांड लगानी है, इसका नाम है एक्सट्रूड कमांड। तो आपको सिर्फ ई एक्स टी लिखना है, तो जैसे एक्स टी लिखेंगे तो एक्सट्रूड कमांड आ जाएगा, और इसको जैसे क्लिक करेंगे तो तुरंत ही आपसे हाइट पूछेगा, व्हाट एवर हाइट यू वांट। थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि 3D की कमांड है तो थोड़ी वेटेड होती है, तो थोड़ा टाइम लेता है। आफ्टर दिस आपको यहाँ पर डालना है कि कितने फीट की वॉल चाहिए। हमने कहा 10 फीट की वॉल चाहिए, 10 फीट इंटर सी डन। इस तरह से अगर हम इसको रियलिस्टिक में देखें तो ये हमें किस तरह से दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। आप रियलिस्टिक में ये हमें घर इस तरह से दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे हमारे वॉल्स तैयार हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वॉल तो तैयार हो गए, अब इस वॉल में अगर मुझे यहाँ पे एक डोर लगाना है, यहाँ पे विंडो लगाना है, तो हम लोग किस तरह से तैयार करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गिव मी वैल्यूएबल योर फीडबैक्स इन कमेंट सेक्शन। For more updates and future videos, please subscribe our channel, press bell icon for the latest notifications, and like and subscribe with your friends. Thank you so much for watching this video once again.